अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शमीम बेक ब्लॉग। बनाने जा रही हूँ दाल। इसमें मैं पानी पक रहा है तो ऐड कर दी हूँ तुअर दाल। अभी मैं यहाँ पर ली हूँ टमाटर, लहसुन, प्याज, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया, टमाटो, गार्लिक, ऑनियन, जीरा, टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट। सारे मसालों को इसमें ऐड कर दूंगी। अभी मैं इसमें सारे चीज़ों को ऐड कर चुकी हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी ऑयल। अभी मैं इसको 3 विजल ले लूंगी, आपको दिखाती हूँ। बर्तन भी वॉश होके पूरा ड्राई हो चुका है। अभी मैं बर्तनों को सेट कर दूंगी। वहाँ पर मैं ऑनियन छील के रखी हूँ, अभी इसे भी चॉप करके रख लूंगी। यहाँ पर ऑनियन सब काट के हो चुका है। मैं यहाँ 3 टाइप का कट की हूँ। यहाँ पर स्लाइस कट की हूँ, यहाँ पर सबसे छोटा वाला चॉप करके रखी हूँ, यहाँ पर मीडियम चॉप करके रखी हूँ। अभी मैं जाके यहाँ पर 4 विजल आके दाल अच्छे से गल चुकी है। अभी मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। देखो मैं यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर से। ब्लेंड हो चुकी है। यहाँ पर मैं ली हूँ ड्रम स्टिक, मूंगे के फलियाँ, भी इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। यहाँ पर मैं अच्छे कर दूंगी, इसको 1 विजल ले लूंगी। यहाँ पर मैं एक बोल में आटा ले चुकी हूँ पराठों के लिए। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अभी मैं सॉल्ट को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद आपको गूंदने के बाद मैं दिखाती हूँ आटा गूंद के डो बना। आटे का डो भी बन चुका है पराठों का। इसे थोड़ी देर आधा घंटा सेट होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर मैं डो में सोडा और नमक डाल के मिक्स कर चुकी हूँ। अभी मैं इस प्लेट में ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। इसमें ऐड करूँगी इडली का बैटर। अभी मैं सब में डाल चुकी हूँ। अभी इसको रख दूंगी स्टीम के। अभी मैं इसको रख दी हूँ 1 कढ़ाई में पानी डाल के, जिसके ऊपर ढक दूंगी। जब तक मैं यहाँ पर चाय के लिए रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, चाय पत्ती। इडली हो चुकी है रेडी, यहाँ पर चाय भी हो चुकी है रेडी। अब दोनों लड़के के लिए ले रही हूँ मैं ऑयल। अभी ऑयल हो चुका है गर्म, मैं ऐड कर रही हूँ ऑनियन, करी लीव्स। ये अच्छे से ब्राउन हो गया था, अभी मैं ऐड कर चुकी हूँ दाल को। यहाँ पर बेटे का टिफिन रेडी है, इडली बनाई हूँ। यहाँ पर कुकुम्बर रखी हूँ, आज भी वो कुकुम्बर खाएगा, इडली लेके घर आएगा वापस। अभी इसको डाल दूंगी टिफिन के अंदर। यहाँ पर मैं रखी हूँ अचार और इसका कैप डाल दूंगी। अभी इसमें मैं रखी हूँ मिल्क पेड़ा, ये भी क्लोज कर। यहाँ पर ली हूँ कुकुम्बर। बाय। यहाँ पर ये दो अभी लिफ्ट आ चुकी है, ये दोनों जा रहे हैं वो ऑफिस वो स्कूल। बाय। इस तरह के पेड़े बना के रखी हूँ। अभी मैं इसको बेल के एक कवर पे डाल के फ्रोजन करके रखती हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह की रोटी बेल ली, इस कवर पे डाल लूंगी। देखो यहाँ मैं ऐसा करके इतने सारे रोटी बना के रखी हूँ। यहाँ पर मैं पूरे पराठों को जिप लॉक कवर में डाल चुकी हूँ। अभी मैं इसको फ्रीज कर दूंगी, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल दिखाऊँ। पर कपड़े हो चुके हैं वॉश, अभी मैं इसको निकाल लूंगी। यहाँ पर कपड़े पूरे सूखने के लिए डाल चुकी हूँ ड्राई होने के लिए। अभी मैं बालकनी वॉश कर दूंगी। यहाँ पर मैं वॉश कर रही हूँ बालकनी। घर पहुँचने के लिए इसमें मैं ऐड करी हूँ लेजॉल और कंफर्ट खुशबू के लिए। इससे ना इजी से स्ट्रेन हो जाता है पानी का। इस मॉप की हेल्प से अच्छे से वाइप कर सकती हूँ घर। देखो
यहाँ पर हो गई है सारे घर की सफाई। ये देखो मेरा बेटा खेलेगा इसमें। सफाई हो चुकी है, किचन की भी सारी सफाई हो चुकी है। यहाँ पर मैं ड्रेस निकाल के रखी हूँ, पैन गरम हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटो, मैं ऐड कर रही हूँ खट्टी मिर्च, धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ। इसमें से आधी मूंग की दाल ऐड करती हूँ, यह बहुत हो गई है। इसको ऐड कर रही हूँ इसमें पूरे सूखे मसाले, मिर्चा कर रही हूँ पानी, एक कुकर भर को ले चुमी पानी, मुझे कुकर वाश होना। तुमने जितनी आश होना होता भर को तुम्हें पानी ले लेना। रत्ती गर्म है के बजे मैं अभी कंपोनेंट भी मिक्स कर दूँ मैं। वे पानी पके के बाद में एक रत्ती गर्म हुआ तो चावल दाल डालना, नहीं कर तो अभी इस दाल ले क्या होते तो चावल पूरा आटा रहता सा पाउडर नीचे बैठ को दाग पकड़ लेता। पानी अच्छे सा गर्म हो गया जरा जरा, अब इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ चावल, ये पीस को हिंसो, लम्स बनने नहीं देना इसे। इसे 3 सीटी अंडे डालती हूँ मैं, कुकर भी बंद कर दलियो। पुड़ी वगैरह का मसाला बनाने के वास्ते लास्ट टाइम बनी थी सो खत्म होगा, उसके वास्ते मैं अभी फिर से बना को रख ले रही हूँ। उसके वास्ते मैं ले को हूँ यहाँ चॉप कर को हूँ ऑनियन, चनियांग दाल, पीनट्स, हरिया धनिया और करी पत्ता, यहाँ पर ही मस्टर्ड सीड्स, टैमरिन जूस। यहाँ तेल अच्छा गर्म हो गए, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स, फिर मैं ऐड कर रही हूँ चनियांग दाल और पीनट्स, अच्छा फ्राई कर लेना। अब मैं ऐड कर रही हूँ चॉप हुआ ऑनियन, करी पत्ता, अच्छे से ऑनियन ये सब फ्राई होगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ हरिया धनिया, एक टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, ये जरूरी नहीं है स्किप भी कर सकती, हमारे घर में तेज नहीं खाते घर को, मिक्स जरा शक्कर डालती हूँ तो इसका टेक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, ठीक हो रहा है। अभी मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 ढक्कन पुड़ी ओगरे मसाला, देखो ये अच्छे से पक रहा है, गाढ़ा भी हो रहा है। अब मैं इसे स्लो फ्लेम में रख डाली हूँ पकने के वास्ते। अब जर्रा गाढ़ा होने के बाद में, ठंडा होने के बाद में मैं स्टोर कर लेती हूँ एक बॉटल में दाल को, फ्रिज में रख लेती हूँ। यहाँ पर आश बन के हो चुकी है रेडी, देखो